दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए राजस्थान सीटी भर्ती 2024 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की ओर से, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 सितंबर 2024 है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर विभाग वाइज पोस्ट निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इस भर्ती की कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं राजस्थान सीटी ऑनलाइन फॉर्म 2024 की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB और राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB के अंतर्गत भर्ती निकली है। ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पर वेरियस पोस्ट इसमें निकली है, जैसे कि यहाँ पर प्लाटून कमांडर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रिवेन्यू अकाउंटेंट एंड पटवारी, सुपरवाइजर वुमेन इंपोरमेंट, सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर, होस्टल सुपरिंटेंडेंट ग्रेड सेकंड, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो और जूनियर अकाउंटेंट की। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट रहेगी, जैसे कि आप नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की पोस्ट है। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई विभाग के अंतर्गत जिलेदार और पटवारी की पोस्ट है। यहाँ पर अधीनस्थ लेखा सेवा के अंतर्गत कनिष्ठ लेखाकार की पोस्ट है। राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत तहसील राजस्व लेखाकार की पोस्ट है। महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक यानी के सुपरवाइजर की, महिला सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसी तरह एकीकृत बाल विकास इसके अंतर्गत जो कि ICDS है, यहां पर भी सुपरवाइजर की पोस्ट है। कारागार अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत उप जेलर की पोस्ट है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी की पोस्ट है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की पोस्ट है और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत कनिष्ठ लेखाकार की पोस्ट निकली है। तो यहां पर आप देख सकते हो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी एग्जाम के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। वैकेंसी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अगस्त 2024 से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 7 सितंबर 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 सितंबर है। एग्जाम डेट 25 से 28 सितंबर 2024 है। सेलरी आप नोटिस से ही पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल कैटेगरी या OBC BC क्रिमिलेयर के लिए 600 रुपये है। OBC EBC WS ST नॉन क्रिमिलेयर जो राजस्थान स्टेट के हैं और ऑल दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी एग्जाम के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। RSMSSB.rajasthan.gov.in और SSO.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट IndSarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करोगे तो इस भर्ती के PDF ओपन हो जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आपको पोस्ट दी गई है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको डिटेल दी गई है, आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया दी गई है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करते हुए आप कैसे फॉर्म फिल करोगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको PDF में हिंदी में दे दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, साथ ही साथ दोस्तों इसमें बाकी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जो आप स्क्रॉल डाउन करते हुए रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लॉग इन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर रजिस्ट्रेशन की भी टैब दी गई, जिस पर क्लिक करते हुए आप रजिस्ट्रेशन
करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू होने जा रही है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर सकते हो, यहाँ पर भी ये लिंक दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।